जी बाबा, कितनी डिसअपॉइंटमेंट है आज की लॉस? देखें इतना नहीं है, देखें बैड डे था हमारे लिए थ्रू आउट द टूर। हम काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा बैड डे था। और अगर बात की जाए तो हमारा पहले 6 ओवर्स हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, बैक टू बैक विकेट गिर गई जिसकी वजह से मोमेंटम हम पकड़ नहीं पाए। और उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर में भी एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, तो मेरी और फेज़ भाई की छोटी पार्टनरशिप लगी, उसको भी हम कैरी नहीं कर पाए जिसकी वजह से हम लो टोटल में आउट हुए। और साउथ अफ्रीका ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है थ्रू आउट द, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की जिसकी वजह से हम वैसा टोटल नहीं कर पाए जैसे हमने प्लान किया था। जी बाबर, बॉलिंग के मतलब बताइएगा कि आज बॉलिंग भी हमें फ्लो ऑफ रन भी देखते रहे, नज़र नहीं आया उसका बॉलिंग में। हाँ डेफिनेटली, देखें जब आप पहले 6 ओवर्स में विकेट नहीं लेंगे तो वो मोमेंटम दूसरी टीम पकड़ लेती है जिसकी वजह से वो थ्रू आउट द मैच वो मोमेंटम चलता रहता है। मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए कि हमें पहले 6 ओवर्स में विकेटें लेनी चाहिए और जितना हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको करें और वो मोमेंटम को तोड़ें। और इंशाल्लाह देखें पूल हमारा काफ़ी काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से हम रोटेशन काफ़ी कर रहे हैं और डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ हम बॉलिंग अटैक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या बेस्ट है, क्या हमारा कम्बिनेशन बेस्ट है हमारी टीम के लिए। बाबर, मिडल ऑर्डर रन्स नहीं उस तरह नीचे से हो रहे, तो उसके मतलब क्या कहें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मिडल ऑर्डर भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग कर रहा है और कोशिश करेंगे कि उनको जितना कॉन्फिडेंस दिया जाए, जितना वो अंदर रहेंगे, जितना वो पार्टनरशिप करेंगे उतना मेरे ख्याल से हमारे लिए टीम के लिए बेस्ट है। तो हम वही कम्बिनेशन हमारा जो चल रहा है और उनको कॉन्फिडेंस देंगे जो हमारे प्लेयर्स हैं मिडल ऑर्डर के, जैसे फीज भाई हो गए और हैदर अली को हमने ट्राई किया नंबर 5 पे, तो इंशाल्लाह हमें डे बाय डे देखें एकदम रिजल्ट नहीं आते, डिफरेंट नंबर प्लेयर्स हमने चेंज किए हैं तो उनको थोड़े से मैचेस लगते हैं। देखें हमारे यहाँ भी 2 T20 यहाँ पे हैं, 3 T20 हमारे जिम्बाब्वे हैं, तो हम डिफरेंट कम्बिनेशन से ट्राई कर रहे हैं अपना टीम को, तो मेरे ख्याल से ये हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो हमें फिर इन दी एंड देखेंगे कि हमारा क्या कम्बिनेशन और किस कम्बिनेशन से हम चलते हैं। बाबर, नेक्स्ट मैच को कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल पूरा पूरा पॉजिटिव हूँ और टीम भी हमारी पॉजिटिव है, जो बैड डे वो गुजर गया, इंशाल्लाह पॉजिटिव जो चीज़ें थी हमारी उसको हम कैरी लेके चलेंगे और अगले मैच में डिफरेंट और डिफरेंट माइंडसेट से हम आएंगे और जो हमारा मोमेंटम चलता आ रहा है उसी को हम कैरी करेंगे और इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे।